दोस्तों, हर शिकारी जानवर को रोज खाना चाहिए और खाने के लिए ये जानवर कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो जंगल एक बेरहम जगह है जहां जानवर अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारते हैं, लेकिन कई बार ये जानवर अपने शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं करते। आज हम आपके लिए ऐसे ही 5 भयानक वीडियो लेकर आए हैं जहाँ जानवरों ने अपने शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं किया और उन्हें जिंदा ही खाने लग गए। नंबर 5, हाइना ईट्स विल्डेबीस्ट। दोस्तों, हाइना एक बेहद ही खूंखार और मांसाहारी जानवर है। ये शिकारी की हड्डी तक को खा जाता है। देखने में तो ये डॉग जैसा लगता है, लेकिन ये डॉग से कहीं ज्यादा खूंखार और ताकतवर होता है। हाइना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है और यही वजह है कि ये अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है। हालांकि ये जंगल में मरे हुए जानवरों को खाता है, इसी वजह से इसे सफाई करने वाला जानवर भी कहा जाता है। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए, शायद इस विल्डबीस्ट को किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह से घायल कर दिया है, लेकिन अब ये हाइना विल्ड बीस्ट को अपना भोजन बनाना चाहता है। यानी आज हाइना दूसरे के शिकार पर जमकर दावत उड़ाएगा, लेकिन विल्ड बीस्ट को बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये हाइना बहुत ही कठोर दिल वाले होते हैं। अरे कठोर क्या, इनके पास तो दिल ही नहीं होता। ये विल्ड बीस्ट को जिंदा ही नोच नोच कर खा जाएगा। देखिए कैसे विल्ड बीस्ट के शरीर को तरबूज समझ कर खाया जा रहा है ये हाइना। सच में बेहद दर्दनाक मौत होने वाली है विल्ड बीस्ट की। नंबर 4, वाइल्ड डॉग्स ईट्स इम्पाला अलाइव। इन दो जंगली कुत्तों के हाथ एक इम्पाला लग गया। कुत्तों ने अपने शिकार को पीछे से पकड़ रखा है और इम्पाला के लाख जोर लगाने पर भी उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जंगली कुत्ते काफी खूंखार होते हैं और जब बात शिकार की आती है तो वे अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इम्पाला उन कुत्तों के चंगुल से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुत्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो खुद को लाचार ही पाता है। जंगली कुत्ते इम्पाला के पेट को फाड़ना शुरू कर देते हैं और इम्पाला अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाता। बस वो इसी कोशिश में रहता है कि किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाए। जंगली कुत्तों का रवैया काफी आक्रामक होता है और वो कुछ ही देर में इम्पाला के पेट का मांस निकालकर खाना शुरू कर देते हैं। आखिर में इम्पाला नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ जंगली कुत्तों का एक बहुत बड़ा झुंड भी पहुँच जाता है। ये पूरा झुंड इम्पाला पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में इम्पाला को मारकर उसके शरीर को नोच खाता है। नंबर 3, कोमोडो ड्रैगन ईट्स मंकी। कोमोडो ड्रैगन छिपकली की विशाल प्रजाति है जो साइज में काफी बड़ी होती है। इसकी लंबाई करीब 3 मीटर तक हो सकती है। अगर इसके वजन की बात की जाए तो कोमोडो ड्रैगन का वजन करीब 70 किलो तक होता है। खास तौर से ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका शारीरिक आकार क्रोकोडाइल के बराबर होता है, इसी वजह से कोमोडो ड्रैगन को जमीनी क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। इसके धारदार दांत शिकार को पकड़ने में मजबूती प्रदान करते हैं। अब इस वीडियो में देखिए, पता नहीं कैसे ये बंदर इस कोमोडो ड्रैगन के जबड़ों में फंस चुका है। हालांकि कोमोडो ड्रैगन स्नेक, रैट, रैबिट और फ्रॉग समेत कई छोटे जानवरों को अपना भोजन बनाती है, लेकिन कई बार ये बड़े जानवरों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती। ये देखिए कैसे कोमोडो ड्रैगन ने मंकी को जिंदा ही अपने जबड़ों में दबा रखा है और अब धीरे धीरे इसे निगलने की कोशिश कर रही है। यानी अब कोमोडो ड्रैगन इस मंकी को जिंदा नहीं छोड़ने वाली। नंबर 2, हाइना ईट्स ज़ेब्रा अलाइव। एक ज़ेब्रा को कुछ हाइना घेर कर अपना शिकार बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़ेब्रा अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो हाइना से बचकर भागना चाहता है और अपने पैरों से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर हाइना का झुंड उसे एक पल के लिए भी नोचना नहीं छोड़ता। हाइना काफी खूंखार शिकारी होते हैं और अपने शिकार को अक्सर ही घेर कर मारने के लिए जाने जाते हैं। तभी हाइना उस ज़ेब्रा पर पूरी ताकत के साथ हमला करते हैं। कुछ हाइना उसकी पीठ पर चढ़ते हैं और कुछ उसके पेट पर काटने में लग जाते हैं। हाइना की ये मेहनत रंग लाती है और कुछ ही देर में ज़ेब्रा जमीन पर गिर जाता है। हाइना अपने शिकार का पेट फाड़ कर उसका मांस खाने लग जाते हैं। ज़ेब्रा दर्द से बहुत चिल्लाता है, लेकिन उन हाइना को उस पर थोड़ा भी रहम नहीं आता और वे उसे खाने से पीछे नहीं हटते। हाइना अपना खूंखार रूप दिखाते हैं और जिंदा ज़ेब्रा को नोच खाते हैं। नंबर 1, वाइल्ड डॉग्स ईट्स वाटर बग। दोस्तों, ये वाटर बग अपने झुंड से बिछड़ चुका है और बेचारा इस वक्त वाइल्ड डॉग के झुंड में फंस चुका है। वाटर बग देखने में लगभग हिरन के जैसा लगता है। इनके सिर पर भी सींग होते हैं, जिससे इसे छोटे जानवरों के हमले से बचने में मदद मिलती है। ये ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं अगर वाइल्ड डॉग की बात की जाए तो ये एशिया और आसपास के रीजन में पाए जाते हैं। वाइल्ड डॉग काफी खतरनाक शिकारी होते हैं। ये हमेशा झुंड में ही शिकार करना पसंद करते हैं। इससे वाइल्ड डॉग को शिकार करने में काफी मदद मिलती है। जंगल के लगभग सभी एनिमल
वाइल्ड डॉग से दूर रहना ही पसंद करते हैं। यहाँ तक कि ये झुंड लायन, टाइगर और चीता जैसे शिकारी जानवरों पर भी हमला बोल देते हैं। यहाँ आज ये वाटर बग पूरी तरह से फंस चुका है। ये देखिए कैसे दर्जनों जंगली कुत्ते वाटर बग को अपने चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाटर बग इन वाइल्ड डॉग की तुलना में करीब 4 गुना बड़ा है, लेकिन वाइल्ड डॉग के झुंड और खतरनाक हमले से इसका बच पाना काफी मुश्किल है। वाटर बग किसी तरह से वाइल्ड डॉग के इस चक्रव्यूह को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा है, मगर आखिरकार वाइल्ड डॉग्स ने वाटर बग को दबोच ही लिया और अब वाटर बग का बच पाना मुमकिन नहीं है। अपने नेचर के मुताबिक वाइल्ड डॉग वाटर बग पर टूट पड़े हैं और उसे जिंदा ही नोच खाने को तैयार हैं। देखते ही देखते वाइल्ड डॉग्स ने वाटर बग को जिंदा ही 2 टुकड़ों में बांट लिया है। सच में एक बार वाइल्ड डॉग्स के चक्रव्यूह में फंसने के बाद वहाँ से जिंदा बच पाना बेहद मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा बेरहम लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।